पेट्रोल पंप संचालकों को मंत्री विजय शाह की फटकार। पंप संचालकों की मनमानी नहीं की जाएगी बर्दाश्त। मिलावटखोरों के खिलाफ कसा जाएगा शिकंजा। पेट्रोल और डीजल में हो रही मिलावट को लेकर मंत्री जी सख्त। मंत्री विजय शाह ने दिखाए कड़े तेवर। मंत्री जी बोले, नियम विरुद्ध चल रहे पंप के संचालकों पर होगी कार्रवाई। पेट्रोल और डीजल की मिलावटखोरी पकड़ने के लिए पिछले दिनों सड़कों पर नजर आने वाले प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री विजय शाह ने एक बार फिर से अपने कड़े तेवर दिखाए हैं। दरअसल रविवार को इंदौर में पेट्रोल पंप संचालक और केरोसिन डीलरों की बैठक में मंत्री विजय शाह ने पेट्रोल और डीजल में मिलावट में पेट्रोल पंप संचालकों की मिलीभगत को लेकर ऑयल कंपनियों के क्षेत्रीय प्रबंधकों को कड़े निर्देश दिए और कुछ इस तरह तल्ख तेवरों में फटकार लगाई। मंत्री होने के नाते और सरकार में होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि हम सही चीज समझें, सही चीज करें और सही चीज जनता के सामने लाएं। और प्रजातंत्र में चाहे जनता हो या मीडिया हो, उसके माध्यम से सही चीज सही कार्रवाई हो। इतना ही नहीं, बैठक में इंदौर जिला कलेक्टर पी नरहरी ने भी पेट्रोल पंप संचालकों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की बात पर जोर दिया और मनमानी करने वाले संचालकों के खिलाफ कार्रवाई करने तक की बात कही। ऑयल कंपनी का इसमें मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की मिली मदद है किसी न किसी। अरे एक महीना हो गया जो डिपार्टमेंट ने कोई कार्रवाई की है, उसके बाद आप लोगों ने कार्रवाई नहीं करना। अरे दिस इज हाइट ऑफ इनडिसिप्लिन विद इन योर ओन डिपार्टमेंट। पेट्रोल और डीजल में नहीं होने देंगे केरोसिन की मिलावट। चलित पेट्रोल पंप के खिलाफ जारी रहेगी कार्रवाई। मिलावट पेट्रोल पंप और डीजल पंप में का हिस्सा ना बने, वो गरीब का घासलेट गरीब के घर तक जाए। और जब हमें शिकायत मिली, मीडिया के माध्यम से मिली, आपके लोगों ने बताया कि कुछ अवैध धंधा एक सनावत बड़ावा के बीच में चल रहा है और उसी के कंपास कैंपस में नीले घासलेट को जो गरीबों के लिए आप भेजते हो उसको ब्रेस्टोसिल पाउडर बना करके सफेद करते हैं, फिर ऑयल मिलाते हैं, फिर डीजल और पेट्रोल बना करके और बेचते हैं। मैंने स्वयं वहां पर जाके देखा और उसके बाद मुझे लगा कि अधिकारी कहीं इन्वॉल्व ना हो, इसलिए मैं अकेला गया। और जब मैंने देखा कि सब कुछ हो रहा है, तब मैंने अधिकारी और पुलिस को बाद में बुलाया। और आपको जानकारी है कि 5 टैंकर वहां जब्त हुए, अवैध चलने वाला चलित पेट्रोल पंप वहां जब्त हुआ, घासलेट नीले घासलेट को सफेद बनाकर पूरी कार्रवाई और मशीनें वहां से जब्त हुई, अवैध चलित पेट्रोल पंप वहां जब्त हुआ, नीला अवैध घासलेट वहां से बरामद हुआ। ये कार्रवाई के बाद जो भारत सरकार की कंपनियां हैं उनने भी जो कार्रवाई करना चाहिए, मुझे लगता है कहीं कुछ कमी उनमें रह गई है, हम लोग तो कार्रवाई कर ही रहे हैं। मंत्री विजय शाह बोले, शिकायत मिलने पर खुद उतरेंगे मैदान में। हम आज विभाग के मंत्री है तो हम छोटे से छोटा काम भी देखते हैं, गलत है तो उसको भी करते हैं, हमारा फर्ज है। शिवराज जी की सरकार का हर मंत्री नीचे तक देखता है और कोशिश करता है कि उसके डिपार्टमेंट में कहां कोई गड़बड़ी पकड़े। हम इसमें कोई ऐसा महसूस नहीं करते कि हम कोई गलत काम कर रहे हैं। मिलावटखोरी में शामिल अधिकारी और कर्मचारियों पर भी होगी कार्रवाई। सारे मामले आपके सामने, अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम की पूरी पुस्तक मैंने बुलाई है, सारे अधिकारी मैंने भोपाल से बुलाए हैं और बहुत जल्दी वो अधिकारी दंडित होंगे, कर्मचारी दंडित होंगे, जिन्होंने करा है वो भी आपके सामने होगा। वहीं मंत्री विजय शाह ने प्रदेश में केरोसिन और डीजल की अवैध बिक्री पर रोक लगाने की बात कही और अधिकारियों को भी अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभाने के कड़े निर्देश जारी किए। बहरहाल अब मंत्री जी के इन कड़े निर्देशों के बाद पेट्रोल पंप संचालकों की मनमानी रुकती है या नहीं, ये देखना भी लाजमी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डी लाइव न्यूज़।